आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर पंचायत एक्सप्रेस। बिहार के लगभग सभी जगहों पे पंचायत एक्सप्रेस के माध्यम से हम प्रत्याशी से मिले, वहां की जनता से मिले, साथ ही साथ पंचायत की समस्याओं से भी हम अवगत कराने की कोशिश किए। चुनाव प्रचार का जो अभियान है वो बिल्कुल चरम उत्कर्ष पे चल रहा है। मैं अभी सारण में हूँ और सारण के ये अंजनी पंचायत में आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी, मुखिया के प्रत्याशी खड़े हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े। एक पंचायत चुनाव का ये जनसंपर्क अभियान चल रहा था जिसको मैंने कवर किया। आज हमारे साथ कुछ युवा भी इस अंजनी में जुड़े हुए हैं, ये पंचायत भवन है। हम इनसे जानते हैं कि किस पंचायत प्रत्याशी का ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, ये किसका चल रहा है? अरुण भैया का। अरुण जी वो सामाजिक कार्यकर्ता थे? हाँ, सामाजिक सेवक हैं वो। पूरे पंचायत समिति रह चुके हैं। अच्छा। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए हम लोग उनको समर्थन कर रहे हैं। तो एक बात मुझे पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कितने प्रत्याशी खड़े हैं? लगभग यहाँ पे लगभग 8 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अच्छा, तो उस प्रत्याशियों में सबसे अच्छे प्रत्याशी आपको ये लगे? सबसे अच्छे प्रत्याशी ये पूरे पंचायत में रहते हुए सबसे पहली बार, कितना, 2001 में सबसे पहले बार चुन कर, और जितना समिति में इन्होंने काम किया है कोई नहीं किया है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं सारण जिला अंतर्गत अंजनी पंचायत में हूं और यहां पे एक प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान दिखा, उसे मैंने कवर किया। बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे युवा से भी बातचीत हुई। अभी हमारे साथ यहां के पंचायत के जो प्रत्याशी हैं अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनका चुनावी एजेंडा क्या है। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि आप पिछला प्रतिनिधि रहे हुए हैं, शायद पंचायत के कुछ प्रतिनिधि रहे हैं आप, जैसा कि लोगों ने बताया। उस समय की जो परिदृश्य में विकास धाराएं आपने की होंगी, शायद उसका फल आपको मिल सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है आपका एजेंडा जो मेन है वो क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले तो यह है कि मैं 2001 में पंचायत समिति में आ गए थे। उस समय इस पंचायत का जितना भी, मतलब रोड का जो समस्या था, बिल्कुल लोग को यहाँ पर पैर में छाले पड़ जाते थे, मतलब सड़ जाता था, ये हो जाता था। तो जितना भी सोलिंग दिखाई दे रहा है, मैं 2001 में पूरा पंचायत का ईटा सोलिंग हम मतलब विकास की वो, उसके बाद में पब्लिक के लिए जो भी सुविधा है, जो भी कहें, वो सब हमने किया। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर हरिजन सीट हो गया। अच्छा। उसके बाद हम चुनाव लड़ना छोड़ दिए, 10 साल गैप किए। 10 साल के बाद में यहाँ का पब्लिक फिर बोला कि अरुण जी आप नहीं आइएगा तो पंचायत का उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इस बीच में 2-3 गो मुखिया आया लोग और सब लोग सिर्फ लूट खसोट लूट खसोट लूट, मतलब लोगों का दबाव है कि आप खड़े होइए। तो मैंने अपना मेडिकल
छोड़ दिए थे, फिर लोगों ने कहा कि नहीं आपको पंचायत में आना होगा, पूरा अजनी पंचायत के हर जनता लोग कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना होगा, इसलिए कि 2001 का आपका काम देख के हम लोग फिर आपको बुलाना चाहते हैं, आप पंचायत छोड़िए मत, आप मुखिया चाहिए। अरुण जी, एक और चीज़ पूछना चाहते हैं आपसे कि पंचायत में जो शिक्षा की व्यवस्था है और भी जो समस्याएं, आपने तो फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए ये समस्या बताई आपने, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, नल जल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें क्या कुछ अच्छा हो रहा है और क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, आज तक तो यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा। जो भी हुआ यहाँ पर, पुराना मुखिया हो चाहे नया मुखिया हो, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। नल जल जो है इसमें 13 वार्ड है, एक ही वार्ड है जिसमें पानी गिरता है, बाकी 12 को बंद है, पैसा टोटल राशि खर्च हो चुका है। लेकिन हमको कहने का मतलब कि मेरे आने से नल जल योजना है उसको तो सुधार करना है। शिक्षा का जहाँ तक आप बोले हैं तो शिक्षा के लिए भी मेरे पास चौपट है, इसलिए कि यहाँ का ना कोई लाइब्रेरी है, नहीं कोई लाइब्रेरी है यहाँ पर, नहीं कोई यहाँ मुखिया कोई संस्था दिया है कि यहाँ नौजवान जाके बैठे पढ़े। यहाँ मैदान है जिस मैदान को नर्क बना के रख दिया है लोग, तो मैदान अगर सही रहता तो वहाँ पर लड़का सब कूदता खेलता तो कुछ आगे का। कुल मिला के जो भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का आप समाधान करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि अरुण राय से हम मिल रहे थे, ये पंचायत अंजनी के मुखिया प्रत्याशी हैं, ये आज जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, हालांकि चुनाव प्रसार काफ़ी जोरों से चल रहा है। इस बीच में आज हमने इस चीज़ को कवर किया, जैसा कि इन्होंने बताया कि सामाजिक जो कनेक्शन है, समाज से जो लोगों से, जनता से, वोटरों से जो इनका कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं पिछला जो चुनाव रहा इसमें वो प्रतिनिधि रहे, इस कारण से लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और नए चेहरे से मिलेंगे, तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार। शर्त पर दे रहे हैं कि पंचायत चुनाव में रह कर काम किए हैं, इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं और जिताएंगे। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।